महत्वपूर्ण चीज है उस गारमेंट की फिटिंग। इस फिटिंग को बनाने के लिए सबसे आवश्यक चीज है उस गारमेंट का मेजरमेंट। इस गारमेंट के मेजरमेंट के लिए हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट लेने चाहिए। जैसे हर व्यक्ति के अलग अलग बॉडी मेजरमेंट होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति लंबा है, कोई नाटा है, कोई किसी का पेट निकला हुआ है, किसी का पीठ निकली हुई है, किसी के कंधे ब्रॉड है। इस तरह से हर आदमी की अलग अलग शारीरिक रचना अलग अलग होती है। जैसे यदि हमने व्यक्ति के अकॉर्डिंग, जैसे कि वो जो व्यक्ति है उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग मेजरमेंट नहीं लिया है तो वह वस्त्र बेकार होगा उसके लिए। जिस व्यक्ति के लिए हम बना रहे हैं उस व्यक्ति के लिए वो वस्त्र बेकार होगा, उसके ऊपर वो वस्त्र बहुत ही भद्दा लगेगा। और यदि उस वस्त्र की फिटिंग बहुत अच्छी है तो वस्त्र चाहे कितना ही सस्ता हो वो वस्त्र आकर्षक और सुंदर लगेगा। इसके लिए हमें अलग तरीके से बॉडी मेजरमेंट लेना चाहिए। बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए हमें एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से बॉडी का मेजरमेंट लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमें अपर पार्ट का बॉडी मेजरमेंट लेना है, उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे उस व्यक्ति की लेंथ। उस व्यक्ति की लेंथ 0 to 1, व्यक्ति की फुल लेंथ। सेकंड हम लेते हैं क्रॉस बैक वो होता है एक स्लीव से, एक स्लीव जिसकी सिलाई यहां पे होती है, एक स्लीव की सिलाई से दूसरी स्लीव की सिलाई तक का एरिया। यानी कि जैसे कि ये डमी है, यहां से यहां तक का, इस लाइन से इस लाइन तक का एरिया। इसी तरह 4 to 5 जो कि क्रॉस बस्ट है, आर्म होल के या स्लीव्स की जो ऊपर की सिलाई है वहां से लेकर टेस्ट से ऊपर का जो भाग, यह होता है क्रॉस बस्ट। ये आर्म होल के लिए एक आवश्यक नाप होती है जो कि लेडीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 6 to 7
निप्पल पॉइंट, यह ब्लाउज के लिए बहुत आवश्यक पॉइंट होता है। इसी तरह वेस्ट लाइन, यह है कमर का राउंड होता है 12 से 13। यह हिप का राउंड होता है जो कि लोअर गार्मेंट के लिए आवश्यक होता है, जैसे पैंट जींस वगैरह के लिए यह पॉइंट बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से हम लोअर गार्मेंट के लिए भी हम मेजरमेंट लेंगे। हाई राउंड 14 से 15 हम लेंगे हाई राउंड। इसी तरह 16 से 17 मी राउंड, या घुटने का राउंड 18 से 19 ये लेंगे हम, 18 से 19 हम लेंगे पिंडली का राउंड। इसी तरह 20 से 21 टकने का घेरा। इस तरह से हम लोअर गार्मेंट के लिए मेजरमेंट लेंगे। ये लोअर गार्मेंट जैसे कि अलीगढ़ी पजामा या फिर चूड़ीदार पजामा, पजामा टाइट फिटिंग वाले जो भी अपने पैंट वगैरह होते हैं उन सब के लिए हम लोअर गार्मेंट्स के लिए ये फिटिंग लेते हैं। ये मेजरमेंट इस तरह से हम एक बॉडी के लिए इस तरह से हम मेजरमेंट लेंगे। जैसे अलग अलग गार्मेंट के लिए हमें अलग अलग मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे शोल्डर के लिए हम एक स्लीव्स का झुका दिया हुआ हिस्सा, एक स्लीव्स का झुका हुआ हिस्से से दूसरी स्लीव्स की सिलाई के दूसरे झुके हुए हिस्से तक का नाप, वो हम लेंगे शर्ट के लिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसी तरह से नेक लाइंस के लिए जैसे शर्ट्स वगैरह होती है कॉलर्स लगती है उनमें, इन कॉलर्स के लिए हम लेते हैं नेक राउंड, जो कि नेक को पूरा राउंड करके
नापा जाता है, इंजेक्टेड को नेक के पूरे राउंड करके नापा जाता है। इस तरह से हम अलग अलग पार्ट के बॉडी मेजरमेंट लेके हम वस्त्र को बहुत ही आकर्षक और फिटिंग का बना सकते हैं और जिससे हमारा वस्त्र बहुत ही सुंदर